लेकिन सोमार में स्थित रहना हमें विधि पूर्वक आना चाहिए। कैसे विधि पूर्वक सोमार में स्थित रहे? बाबा ने हमें बहुत सारे सोमार के पॉइंट्स दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं। उन्होंने से एक या दो टाइटल हमें सेलेक्ट करने हैं जो मुझ आत्मा को खुशी की अनुभूति कराएं या नशे की स्थिति में। ऐसे एक या दो टाइटल हमें सेलेक्ट करना है। हर एक के अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपने विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल लिया, उस पर बहुत गहराई से हमें चिंतन करना है। विश्व परिवर्तक आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, विश्व कल्याण करने के निमित्त होंगे, कैसे होंगे, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाले होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा, श्रेष्ठ व्यवहार होगा, उसकी चलन और चेहरा कैसा होगा, उसके बाद उन विशेषताओं को हमें अपने में धारण करना है और उस सोमार के टाइटल को अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। तो धीरे धीरे ईश्वरीय नशे की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और दूसरा लाभ इसका यह होता है, जब हम सोमार के सिर पर सेट रहते हैं तो आत्मा में वो ईश्वरीय कुमारी, वो मस्ती, वो नशा संस्कार के रूप में भर जाता है और वो हमें भविष्य में राजा महाराजा रानी महारानी का पद दिलाने में मदद करता है। इसी समानी से है, लेकिन सतयुग त्रेतायुग में जब अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो उनके चेहरे पर वही मस्ती, वही रुहाव अनुभव होगा। तो भविष्य की तैयारी के सिंहासन पर बैठे रहना है, डटे रहना है। जैसे सोमान के सिंहासन हम छोड़ देते हैं, नीचे उतर जाते हैं, तो हमारी स्थिति हलचल में होती है, दोलायमान होती है। इसलिए अच्छा स्थिति माने के लिए सोमान के सिंह